समाजवादी पार्टी किस तरह से तैयारी किए है उसकी एक झलक आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी चुना है, नॉमिनेशन करने गए हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से, उनकी जो छाप है वो कहीं ना कहीं उनके भाई तक भी पहुंची है। उनके भाई बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में इसलिए आए हैं कि उनके भाई को फतेह हासिल हो, भाई आप कम से कम इस बार लोकसभा चुनाव में जीते हैं। तो क्या रहा है, मैं उनके भाई से पूछता हूँ, आखिर ये जो जब पार्टियों में जो दूरी है उस तरह जो भाइयों में दूरी हुई थी वो नजदीकियों में कैसे तब्दील हुई? नहीं, दूरी कुछ नहीं हुई है, वो पहले आ गए हम बाद में आए आए, बस दूरी कुछ नहीं है, भाई भाई हम दूरी नहीं है। अच्छा। और पूरी ताकत के साथ भाई को भाई पहले बसपा में थे, बसपा जिलाध्यक्ष रहे, आप समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, आपको इतना टाइम क्यों लग गया आने में? अब हम बड़े भाई हैं तो हमने कहा तुम जाओ हैं, अब बाद में हम आए तो हमने देखा आया है। हवा कैसी है सपा के अंदर, मतलब जब आपको ऐसा है 3 लाख वोटों से कम नहीं जीतेंगे और द्वारे समाज 100% मिल रहा है, पूरी ताकत से जिता के लाएंगे। जो भाजपा कह रही है कि प्रत्याशी सपा को बहुत कमजोर मिला है, एक तरह से वॉकओवर है, आप गलत बोल रहे हैं, ये भाजपा कहती है। और भाजपा 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 तो गलत बोलता ही है। बहुजन समाजवादी पार्टी कैडर की बोली गई है, जिस तरह से चुनाव लड़ती रही है, आप उस पार्टी में थे, आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और सपा भी बहुत कॉन्क्रीट रूप से चुनाव लड़ने जा रही है, तो कितना अंतर देखते हैं बीएसपी और जहाँ तो आएगा कि हम जान गए अब तो जीत गई पार्टी, जीत गया हमारा भाई जीत गया, तो भाई के संगे चले जहाँ सो चले, सब लोग लग गए, पूरा जिला हमने घूमा है, पहले देख लिया कि अच्छी तरीके से सब जनता एक सब हो गई है कि सपा को जिताओ, सपा साइकिल जिताओ, है अच्छा आदमी कहो जितने आ गया तो सबको सब मिलकर जिता दो। तो ये आपने देखा, देखिए भाई का प्यार, भाई का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं एक भाई पर देखने को मिलता है कि दूसरी पार्टी दूसरे राजनीतिक दल को छोड़कर वो सिर्फ इसलिए अपने साथ आते हैं कि उनका भाई इस बार लोकसभा चुनाव में एक जीत के साथ आए। कहते तो इनके भाई ये भी है कि इस बार हवा उनके भाई समाजवादी पार्टी की है। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।